मध्य प्रदेश को चंदेरी साड़ियों के लिए जाना जाता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से साड़ी बनाने वाले कारीगरों के सामने बाजार नहीं मिलने की वजह से रोजी रोटी का मसला पैदा हो गया था। लेकिन अब मरकजी हुकूमत ने न सिर्फ इन कलाकारों को बाजार मुहैया करवाया है, बल्कि खत्म हो रही कला को जिंदा करने में भी किरदार निभाया है। देखिए अशोकनगर जिले के चंदेरी से हमारी जमीनी हकीकत पर मबनी रिपोर्ट। घर में साड़ी बुनता यह है नवल आदिवासी। नवल ने अपने पिता हन्नाम सिंह से साड़ी बुनने का काम सीखा। इस नौजवान नवल को पहले अपने भविष्य की चिंता सताती थी, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा वो था नहीं और चंदेरी की साड़ियों की मांग धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ऐसे में काम की तलाश में उसके पास शहरों की ओर पलायन करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लेकिन इस पलायन को रोकने में आज महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सरकार के उपक्रम ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ट्राइफेड ने। ट्राइफेड न सिर्फ नवल जैसे नौजवान को देश के विभिन्न शहरों में बाजार उपलब्ध करा रहा है, बल्कि देश के अन्य शहरों में बाजार तक पहुंचने में और वहां रहने का खर्चा भी दे रहा है। आज नवल अपनी इस पुश्तैनी कला को ही अपना रोजगार बना चुका है। ये हो गए मुझे दो साल हो गए काम करते। पहले हम यहाँ पर पापा बुनते थे और पापा बुनते बुनते हम देखते देखते हम भी उनके साथ बैठते से और बुट्टी डालते सीखते सीखते हम सीख गए काम, तो हमने एक अलग काम लगा लिया। और जैसे ट्राइफेड कंपनी है इसके साथ हम जुड़ गए, तो जैसे हम प्रदर्शनी मेले में छिंदवाड़ा गए थे अभी, और ये भोपाल भी फिर आए जी। जैसे कि हम सेट्स बुनते थे, तो सेट जैसे 4,000 रुपया की इस चीज़ वो हमें खुला अपनी मजूरी देता था, जैसे 1,500 रुपये दे दे या 1,000 रुपये ये मिलते थे। और अब जैसे हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं, तो उसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। और आगे यही चाहते हैं कि ये जैसे अभी थोड़ी लो हो गई जिसकी ये काम जैसे रुक गया था कोई धीरे धीरे चले, लेकिन अब ये ज़्यादा बढ़ना चाहिए। बहुत सी वैरायटी बनती हैं चंदेरी साड़ी में से, करीना झाड़ पल्लू जंगला मंगल बहुत सी वैरायटी बनती है, नई नई चीज़ें बनाएं और मेले में ले जाएं। नवल के पिता कहते हैं कि बाजार उपलब्ध होने के कारण साड़ियों की मांग बढ़ने से नवल जैसी नई पीढ़ी के लिए ये बड़ा अवसर है। एक समय था जब उनके लिए ही घर चलाना मुश्किल था, लेकिन अब ट्राइफेड के सहयोग से नवल जैसे युवा कारीगरों को प्रोत्साहन मिला है। अब हमने उनको अभी अभी उतारा है दो साल से, तो हम मतलब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, हम भी उनको मौका दे रहे हैं, मतलब जी भी आगे बढ़ जाए और हमारे बाद में हाँ मतलब जी करें चंदेरी में, और इससे अच्छा काम है ही नहीं है कछु। हमने पढ़ाए लिखाए नहीं पढ़ पाए, तो फिर हमने कही अब इनको काम लगवा दो, काम लगवा दो। इसलिए हम जासूस रहे कि जैसे हमें मतलब मौका मिलो ऐसे इनको भी मौका मिल जाए और जी भी आगे बढ़ जाए। विलुप्त होती चंदेरी की ये साड़ियाँ बनाने का काम हन्नाम सिंह और नवल जैसे कारीगर पहले सिर्फ सेठों के लिए करते थे, लेकिन अब सेठों के चंगुल से निकलने के बाद इनको न सिर्फ पूरी मजदूरी मिल रही है, बल्कि उचित मुनाफा भी मिल रहा है। डीडी न्यूज के लिए चंदेरी से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट।